तो इंडिया ने चाइना को ना कर दी है, नो बोला है। भारत ने स्टैंड लिया है। इस बात की मुझे खुशी है कि हमारी गवर्नमेंट ने पिछले 4 साल से स्टैंड लिया हुआ है। चाइनीज अथॉरिटीज ने इंटरव्यू देते हुए ये बोला कि हम भारत से चाहते हैं कि भारत फ्लाइट जो है डायरेक्ट फ्लाइट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना डायरेक्ट फ्लाइट्स दोबारा शुरू कर दे। चाइना ने बार बार इंडिया को ये कहा है कि डायरेक्ट पैसेंजर फ्लाइट्स शुरू की जाएं। 4 साल हो गए हैं, लेकिन इंडिया का कह रहा है पहले बॉर्डर डिस्प्यूट हल करो। भारत और चीन के बीच में जो रिश्ते हैं इनमें जो डोर है ना वो डोर टूट गई थी, अब गांठ बांधी है सबको लग रहा है। वो इंडिया के अंदर इंडियंस कहते हैं कि हमने आपके साथ डायरेक्ट फ्लाइटें नहीं चलानी, टफ टाइम दे रहे हैं। चाइना इज अर्जिंग इंडिया टू टेक फ्लाइट अगेन आफ्टर अ 4 ईयर हाइएटस कॉज्ड बाय अ डेडली बॉर्डर क्लैश। चाइना इज पुशिंग फॉर द रिजम्पशन ऑफ डायरेक्ट पैसेंजर फ्लाइट्स बिटवीन द टू एशियन पावर हाउसेस। चाइना जो है वो भारत से कह रहा है डायरेक्ट फ्लाइट्स जो है पैसेंजर फ्लाइट वो शायद रोक दी गई थी, भारत जवाब नहीं दे रहा। यहाँ पे भारत की कंपनियां हैं 100 200 500 जहाज खरीद रही हैं, वहां पे चाइनीज की जो कंपनीज हैं जो हवाई जहाज चलाती हैं डूब रही हैं एंड दे आर एक्सट्रीमली अपसेट। अब चाइना को जरूरत है भारत की, क्योंकि चाइना को अगर बचना है उसे बहुत बड़ी मार्केट चाहिए माल बेचने के लिए। तो इस वक्त भारत को इतनी जरूरत नहीं है चाइना की जितनी चाइना को भारत की है, इसलिए चाइना प्लीड कर रहा है कि भाई आप हमें फ्लाइटें खोल दीजिए ताकि फ्लाइटें आए। ठीक है, दैट टाइम वो फ्लाइट बंद हुई, फ्लाइट शुरू ही नहीं हुई। उन्होंने आज तक की बात है वो फ्लाइट बंद है, 4 साल हो गए भाई साहब फ्लाइट ही बंद है। यू कैन नॉट गो फ्रॉम इंडिया टू मेनलैंड चाइना एंड फ्रॉम मेनलैंड चाइना टू इंडिया, भारत ने बंद कर दिया। अब चाइना बाप बाप करके पीछे पड़ा है, कह रहा भाई साहब प्लीज फ्लाइट शुरू कर दो। ऐसा चाइना क्यों कह रहा है दोस्तों, ये जानने की जरूरत है। चाइना इसलिए कह रहा है कि कोविड के बाद पूरी दुनिया ने रिकवर करा, भारत ने बड़ी तेजी से रिकवर करा, लेकिन चाइना का जो एविएशन सेक्टर है वो बैठा है अभी। आज की तारीख में बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है एविएशन, किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए, सोसाइटी के लिए एविएशन सेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे भारत की कंपनियां हैं 100 200 500 जहाज खरीद रही हैं, वहां पे चाइनीज की जो कंपनीज हैं जो हवाई जहाज चलाती हैं डूब रही हैं एंड दे आर एक्सट्रीमली अपसेट कि भाई ये हो क्या रहा है, ये हो क्या गया अचानक, हमारा एविएशन नहीं उठ रहा। तो उनको लगता है कि क्योंकि 100 अरब से ज्यादा ट्रेड है भारत और चीन के बीच में, तो अगर एविएशन सेक्टर शुरू हो जाएगा तो एक जो बहुत बड़ी रूट है चाइना और इंडिया, राइट, एक जमाने में 500 550 फ्लाइटें जाती थी इंडिया से चाइना, 500 550 फ्लाइट्स, अब वो जीरो हो गई हैं। अब जीरो हो गई हैं तो सब छटपटा रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी तादाद है फ्लाइट्स की। तो अब दोस्तों ये हो रखा है कि चाइना काफी हद तक परेशान है और चाइना अब गुहार लगा रहा है कि यार शुरू करो यार फ्लाइट शुरू करो। भारत ये कह रहा है कि जब तक ये जो तुम बेवकूफी कर रहे हो ना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, कि थोड़ा सा तुम्हें हम लोग तवांग में आंख दिखा देंगे, फिर डोकलाम में हम कुछ हरकत करेंगे और गलवान पे आके हमला करने की कोशिश, बॉस ये सब ड्रामा बंद करो वरना रिलेशनशिप विल नेवर बी द सेम। भारत ने एक्चुअली ये कदम उठा के चीन को और पाकिस्तान को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ले आया भारत। हाँ ठीक है, चाइना बहुत पावरफुल है, चाइना की मिलिट्री ज्यादा पावरफुल हो सकती है, चाइना की इकोनॉमी ज्यादा पावरफुल हो सकती है, लेकिन हरकतें उनकी पाकिस्तान जैसी हैं। तो हमने बोला भैया अगर तुम्हारी हरकतें पाकिस्तान जैसी हैं तो फिर तुम्हें ट्रीटमेंट भी पाकिस्तान जैसा मिलेगा, डोंट एक्सपेक्ट स्पेशल ट्रीटमेंट इन दिस केस। तो चाइना बड़ा छटपटा रहा है, चाइना पूरी कोशिश, पहले भी एक दो बार रिक्वेस्ट कर चुका है चाइना और पूरी जान लगा दी चीन ने कि यार किसी तरीके से भारत के साथ फ्लाइट शुरू हो जाए। मैं आपको एक और बात बताऊं, चाइना हरकतें उल्टी सीधी कर रहा है लेकिन चाइनीज इकोनॉमी दोस्तों हैज टेकन अ बीटिंग आफ्टर कोविड, इनको इतनी मार पड़ी है अभी तक ये लंगड़ा के चल रहे हैं। पर जैसे एक आदमी होता है ना घमंडी, पैर से खून निकल रहा है लेकिन आपके सामने चेहरे पर मुस्कुराहट है उसकी, क्योंकि चाहता नहीं आपको पता लगे उसके पैर से खून निकल रहा है, चाइना उसी बंदे की जैसा है बिल्कुल। चाइना जो है वो भारत से कह रहा है डायरेक्ट फ्लाइट जो है पैसेंजर फ्लाइट वो शायद रोक दी गई थी, भारत जवाब नहीं दे रहा। आप कुछ किए ना ताकि आप जा सके डायरेक्ट, पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम घूम के आप सीमा इधर की तरफ पहुंचते, तो उसके बच्चे अरे मैं बड़ा खुश हूं कि डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, मुझे तंग होना पड़ता है। जो मेरी फ्लाइट 4.5-5 घंटे में पहुंच सकती थी मुझे 10-12 घंटे लगते हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। रीजन भाई, भारत ने स्टैंड लिया है। इस बात की मुझे खुशी है कि हमारी गवर्नमेंट ने पिछले 4 साल से स्टैंड लिया हुआ है
कि इट हैज टू बी अ प्लेइंग फील्ड दोनों तरफ से। अब मैं प्लेइंग फील्ड क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीजन है, देखिए जब कोविड हुआ चाइना ने फ्लाइट्स बंद कर दी और उसके बाद सारे दुनिया की फ्लाइट्स आ रही थी लेकिन भारत से फ्लाइट नहीं आने दी क्योंकि यहाँ से बच्चों ने जाना था वापस जो वहां पर यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ रहे थे, मेडिकल के कोर्सेज कर रहे थे। इन्होंने 2-3 साल जानबूझकर हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स को वापस नहीं आने दिया, उससे उनका करियर खराब हो गया और चाइना ने मुझे लगता है ऐसा कि जानबूझकर ये काम किया था। और कितने बच्चे हैं, हजारों में, 26,000 बच्चे तो सिर्फ मेरी एक सिटी में पढ़ते हैं यहाँ पर जो मेडिकल के कोर्स कर रहे हैं। एक तो ये रीजन है जिसके कारण गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया, तुसी सानू दुखी कीता हुण आ तुहानू असीं कर रहे हैं रीजन। तब भारत को जरूरत थी कोविड के टाइम पर कि हमारे बच्चे वापस जाएं पढ़ने के लिए। और भाई आपके जो जिहादी हैं पाकिस्तान के वो पढ़ने चले गए वहां पे फ्लाइटें खुली हुई थी, हमारी नहीं खुली हुई थी। अब चाइना को जरूरत है भारत की क्योंकि चाइना को अगर बचना है उसे बहुत बड़ी मार्केट चाहिए माल बेचने के लिए। तो इस वक्त भारत को इतनी जरूरत नहीं है चाइना की जितनी चाइना को भारत की है, इसलिए चाइना प्लीड कर रहा है कि भाई आप हमें फ्लाइटें खोल दीजिए ताकि फ्लाइटें आए। लेकिन भारत ने बोल दिया नहीं। एक तो ये रीजन हो गया, 2 रीजन दे दिया आपको, तीसरा रीजन एक और है। तीसरा रीजन ये है कि जो भारत की फ्लाइट जाती हैं चाइना में वो 100-150 फ्लाइट्स हैं लेकिन चाइना की 300-350 फ्लाइट आती है, यानी कि दुगने से ज्यादा उन्होंने अलॉट किया हुआ है एयर रूट्स को। अब भारत बोल रहा है कि अगर मेरी 150 आएंगी तो आपकी भी 150 आएंगी वरना मेरा भी कोटा इंक्रीज किया जाए। लुक एट हाउ इंडिया स्मार्टली इज प्लेइंग दिस। एक तरफ 125 अरब डॉलर की $125 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड है, उसको नहीं छेड़ा, वो अपनी जगह चल रही है, कारोबार हो रहा है, कारोबार को नहीं रुका। लेकिन इंडिया इज यूजिंग अदर मींस टू प्रेशराइज चाइना कि हमारे साथ मामला ठीक करो। 4.5 साल हो गए, अब ये बात तो आप इंडियन बिजनेसमैन से पूछें और चाइनीज बिजनेसमैन से पूछें या कोई जो इंडिया से चाइना लोग जाते होंगे या चाइना से इंडिया लोग आते होंगे उनसे पूछें कि कितनी मुश्किल जिंदगी है। जैसे पाकिस्तान ने नेपाल जाना हो या पाकिस्तान ने बांग्लादेश जाना हो या पाकिस्तान ने किसी और मुल्क जाना हो तो पहले हम कतर जाते हैं, हम दुबई जाते हैं, कितनी अजीब जिंदगी है ना। मैं पिछले साल आई थिंक 2 साल पहले नेपाल गया तो मैं पहले कतर गया, कतर 3 घंटे की फ्लाइट ली, फिर वहाँ 3 घंटे स्टे किया, फिर आगे 3-4 घंटे की फ्लाइट ली। तो मेरे लिए तो ऐसे ही था जैसे मैं यूरोप जा रहा हूँ, जबकि टोटल यहाँ से नेपाल की फ्लाइट 2 घंटे की है इस्लामाबाद से। सो क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया जो है उसने चाइनीज बिजनेसमैन के लिए, चाइनीज कंपनीज के लिए मुश्किल कर दिया है कि वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। मैं कहती हूँ भाई हैट्स ऑफ टू इंडियन स्ट्रेटजी, हैट्स ऑफ टू इंडियाज पॉलिसी। देखिए उन्होंने इंडिया को 4 साल हो गए चाइना के साथ फ्लाइट्स बंद किए हुए,